वालेकुम आज हम तैयार करेंगे भिंडी की रेसिपी एक अनोखे अंदाज़ में आज हम भिंडी बनाकर उन्हें खिलाएंगे जो नहीं पसंद करते भिंडी को और शौक़ से नहीं खाते ये रेसिपी ऐसे बनेगी कि पता भी नहीं चलेगा कि इसको हमने भिंडी से बनाया है तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं पहले हमने भिंडी लेके अच्छे तरीके से वॉश की है और इसके सर और धूम जो होती है उसको कटिंग कर ली है अब हम इसे एक चॉपर में डालेंगे और इसे हमने चॉप करना है इसके लिए एक मीडियम साइज़ की प्याज़ ले लें और दो से तीन हरी मिर्चें इसे भी बारीक चॉप कर लें ये भिंडी को बिल्कुल हमने चॉप कर लिया है और इसको बिल्कुल पेस्ट आपने नहीं बनाना अब इसे एक बॉल में निकाल लेंगे ताकि इसमें हम मसाले ऐड कर सकें चॉप की भी भिंडी में एक टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दें और नमक हाफ़ टी स्पून डाल दें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्ची पाउडर और एक टेबल स्पून भर के आपने साबुत धनिया डालना है और हाफ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल कर दें और एक टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दें और ये प्याज और हरी मिर्ची हमने चॉप कर ली थी वो भी इसमें डाल दें और दो से तीन टेबल स्पून बेसन भी इसमें शामिल कर दें और एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल दें अब इसके हम भिंडी को बाइंड करेंगे कि इसमें जो नमी है जो लेस है इसका वो ख़त्म हो जाएगा बेसन जो इसमें ऐड किया है वो इसको बाइंडिंग का काम करेगा और इसको क्रिस्पी बनाएगा और अगर मिक्स करते हुए अगर आपको लगे कि इसमें अभी नमी है और ये हाथों को चिपक रहा है तो इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर दें और इसे बाइंड कर लें अब हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम इसे कबाब की शेप देंगे एक चम्मच की मदद से लेंगे कि एक ही साइज़ के ये कबाब हमारे तैयार हो जाए भिंडी से तमाम कबाब तैयार कर लिए हैं अब एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और इसमें हमने तमाम कबाब डाल के फ्राई करने हैं ये इतने क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं कि आप खाली केचप से भी खाएं तो ये बहुत टेस्टी लगेंगे और शेप तो ऐसे चेंज हुई है कि पता भी नहीं चल रहा कि हमने भिंडी से कबाब तैयार किए हैं अब इसे आप चाहे कबाब कह लें या या भिंडी पकोड़ा कह लें और केचप से मज़े ले ले के खाएँ बाकी दूसरी रेसिपी जो हम इससे तैयार करेंगे जिस पैन में कबाब फ्राई किए थे उसी में एक टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे और इसे फ्राई करेंगे कि ये ब्राउन हो जाए फिर इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून कलौंजी और एक मीडियम साइज़ की प्याज़ और दो टमाटर ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लें और उसमें डाल दें यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो स्किप होगी आपने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी हाफ टी स्पून पिसी मिर्ची और नमक भी एक टी स्पून शामिल करना है और फिर इन तमाम मसालों को आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि इसमें ऑयल निकल है फिर इसमें आपने थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके डाल देनी है इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा और इसे भी मसाले के साथ आपने भून लेना है फिर आपने इसमें पानी शामिल करना है इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसकी ग्रेवी के लिए पानी आपने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें में डालना है क्योंकि जब हम इसमें कबाब शामिल करेंगे तो वो पानी को सक कर लेता है अब ये पानी शामिल करके हमने दम में रखा है कि इसका थोड़ा सा और रोगन निकल आए ग्रेवी तैयार हो गई है अब जो हमने इसमें कबाब फ्राई करे थे वो इसमें शामिल कर देंगे और इसे मसाले के साथ मिक्स करेंगे और साथ ही थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्ची कट करके वो भी इसमें शामिल कर देंगे और एक टीस्पून पिसा हुआ रेगुलर गरम मसाला डाल देंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ग्रेवी कबाब कह लें या पकौड़ा कबाब कह लें या भिंडी कबाब जो आपको नाम पसंद हो वो आप इस डिश को दे लें और जिसे भी खिलाएँगे वो पहचान नहीं सकेगा कि ये हमने भिंडी से रेसिपी तैयार की है ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा